फिलिस्तीनी आतंकवादियों हमास ने भारतीय नाज को रॉकेट से निशाना बनाया। दागे 1500 रॉकेट। इंडिया एंड यूएसए अमेरिका जापान सपोर्ट्स इसराइल। भारत सरकार ने हाल ही में फिलिस्तीन को बड़ा झटका देते अन के मंच से हमास के रॉकेट हमलों की निंदा की। इसके बाद अब जापान ने भी इसराइल को अपना समर्थन दे दिया है। अन में भारत की ओर से एक संतुलित बयान दिया गया था जिसमें भारत सरकार ने सभी प्रकार की हिंसक गतिविधियों की निंदा की, लेकिन गाजा से किए जा रहे रॉकेट हमलों का अलग से जिक्र किया। वहीं अब जापान के रक्षा मंत्री यासुहिडे नाकायामा ने ट्विटर पर बताया कि वे इसराइल के साथ हैं। यानी अब क्वाड के दो ताकतवर देशों ने इसराइल के पक्ष में बयान देकर बाइडेन को एक कड़ा संदेश दिया है। राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरह से बाइडेन ने इसराइल को लेकर फ्लिप फ्लॉप की रणनीति अपनाई है, उससे लगा था कि अमेरिका कहीं इसराइल को धोखा न दे दे। हालांकि अब जिस प्रकार क्वाड के दो अहम देशों ने इसराइल के पक्ष में बयान दिया है, उसने काफी हद तक इस मुद्दे पर बाइडेन प्रशासन के हाथ बांध दिए हैं। दरअसल भारत के बाद जापानी रक्षा मंत्री यासुहिडे नाकायामा ने ट्विटर पर पोस्ट किया है कि वह हमास फिलिस्तीनी आतंकवादियों के साथ बढ़ती हिंसा के मुद्दे पर इसराइल के साथ हैं। नाकायामा ने बुधवार को एक पोस्ट में कहा, एक दिन अचानक आतंकियों की ओर से 24 घंटे में 300 से अधिक रॉकेट दागे जाएं, तो आप क्या करेंगे? इसराइल को आतंकवादियों से अपनी रक्षा करने का अधिकार है। आम नागरिकों के खिलाफ सबसे पहले रॉकेट किसने दागे? हमारा हृदय इसराइल के साथ है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एस तिरुमूर्ति ने बुधवार को ट्वीट किया कि पूर्वी यरूशलम में इस तनाव के मुद्दे पर भारत सभी तरह की हिंसक गतिविधियों, खासकर गाजा से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा करता है। हिंसक गतिविधियों में कमी लाने के आह्वान के साथ ही भारत द्वारा गाजा से किए जा रहे रॉकेट हमलों का अलग से जिक्र करना दर्शाता है कि भारत सरकार इस विवाद में आतंकी संगठन हमास की आक्रामकता से चिंतित है। बता दें कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लड़ाई जारी रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि हमास से भारी कीमत वसूलेंगे, हम वही कर रहे हैं। इंडिया एंड जापान शो अनइक्विवोकल सपोर्ट फॉर इसराइल, ए क्लियर मैसेज टू बाइडेन। जब जो बाइडेन सत्ता में आए थे तो वह पश्चिमी एशिया में अपने एकमात्र गैर मुस्लिम सहयोगी देश इसराइल के खिलाफ काम करते दिखाई दिए थे। उन्होंने शुरुआत में इजरायली पीएम नेतन्याहू को एक टेलीफोन कॉल तक करने से परहेज किया था। यही नहीं, उन्होंने ईरान और फिलिस्तीनी मुहिम को भी समर्थन दे दिया था, जिससे इसराइल के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया था। परंतु एक महीने के भीतर ही बाइडेन को एहसास हो गया है कि नेतन्याहू पश्चिमी एशिया से अमेरिका के प्रभाव को बेहद नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा बाइडेन पर क्वाड के देशों जैसे भारत और जापान और यूरोप के देशों जैसे जर्मनी और फ्रांस का भी दबाव है। यही कारण है कि शुरुआत में इसराइल विरोधी रुख दिखाने वाले बाइडेन को आखिरकार कहना पड़ा कि इसराइल को अपने देश की सुरक्षा का पूरा अधिकार है। बाइडेन प्रशासन को यह पता है कि अगर उसे प्रासंगिक बने रहना है तो उसे ताकतवर सहयोगियों की भी आवश्यकता पड़ेगी और वह भारत, इसराइल और जापान जैसे देशों से ऊपर उठकर अपने इसराइल विरोधी अभियान को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।